केशव प्रसाद मौर्य। ये नाम उत्तर प्रदेश की जनता में लगभग सभी को पता है, खास तौर से उनको पता है जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, क्योंकि इस नाम को वो अपना प्रतिनिधित्व करने वाला नेता समझते हैं। केशव प्रसाद मौर्य इतने सालों की अपनी राजनीति में आज जो कुछ भी हैं वो उन्हीं की आवाज़ उठाने की वजह से हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग कहते हैं। लेकिन ये पिछड़ा वर्ग इन दिनों अपने इस नेता से काफ़ी नाउम्मीद हो रहा है, यहाँ तक कि खुद सरकार में मौजूद पिछड़े वर्ग के मंत्री और नेता केशव प्रसाद मौर्य से नाउम्मीदी लेकर लौट रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को वो अपना नेता समझते हैं कि उनकी आवाज़ वो उठाएंगे, लेकिन हाल ही में आपको ये बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने अपना पाला बदल लिया है। केशव प्रसाद मौर्य अब पिछड़े वर्ग की बात नहीं करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं तो केवल धर्म की। आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य की गलती भी क्या है? उनकी विचारधारा अब पार्टी की विचारधारा है, वो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जहां पर धर्म की विचारधारा पर काम होता है, ना कि पिछड़ों के दर्द को लेकर बात होती है। केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैठकर जनता से बातचीत करते हुए साफ शब्दों में ये चर्चा कर रहे हैं कि धर्म की बात कीजिए, धर्म के मुद्दे को आगे उठाइए। ये जानकारी न्यूज नशा ने खुद चश्मदीद होते हुए पाई है। ये जानकारी हमें किसी सूत्र के हवाले से नहीं मिली है, बल्कि खुद की जानकारी के आधार पर ये बात हम सामने रख रहे हैं। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं, धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। जाहिर है कि केशव प्रसाद मौर्य कभी भी ये बात खुलकर कैमरे पर नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी विचारधारा जनता के सामने किस तरह से जा रही है, इस बात को वो नेता कतई नहीं झुठला सकते हैं जो लखनऊ में इन दिनों केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि मुलाकात में उन्हें धर्म का मंत्र दिया जा रहा है, ना कि पिछड़ों के दर्द की सुनवाई की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ये समझ चुके हैं कि वो अपने पिछड़े वर्ग की राजनीति नहीं, बल्कि अब पार्टी में धर्म की राजनीति पर ही अपना एजेंडा चला सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता को ये खुद समझना होगा कि राजनेता कब तक उनके भाव और अभाव को लेकर अपने फायदे लेते रहेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।